राजधानी दिल्ली में शवों को लेकर मामला गर्माता जा रहा है, जिसे देखते हुए अब गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि संदिग्ध मामलों में कोरोना के टेस्ट रिजल्ट का इंतजार किए बिना ही परिजनों को शव सौंप दिया जाए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की 15 मार्च को जारी गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए ही शवों का अंतिम संस्कार किया जाए। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट कर सभी को जानकारी दी। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,32,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि अब तक 9,500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस से स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगभग 2 करोड़ की घनी आबादी वाली दिल्ली में अब तक 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1,300 से ज्यादा मौत हो चुकी है। एक और तो राजधानी दिल्ली पहले से ही कोरोना वायरस से बेहाल है, तो वहीं दूसरी ओर शवों को लेकर भी मामला गरमाया हुआ है, जिसे देखते हुए गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना से मौत के संदिग्ध मामलों में शवों को तुरंत ही परिवारों को सौंप दिया जाए। दरअसल ये फैसला गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया है। 14 जून को गृह मंत्री शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली के तीनों मेयरों के साथ हाई लेवल बैठक की, जिसमें राजधानी दिल्ली में कोरोना से निपटने को लेकर कई फैसले किए गए। करीब 1.25 घंटे की बैठक में दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने, जांच की सुविधा बढ़ाने, अस्पतालों में कोविड बेड सुनिश्चित करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा हुई। इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर दी। ट्वीट कर बताया कि संदिग्ध मामलों में कोरोना के टेस्ट रिजल्ट का इंतजार किए बिना ही परिजनों को शव सौंप दिए जाएं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की 15 मार्च को जारी गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए शवों का अंतिम संस्कार किया जाए। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट के जरिए भी सूचित किया है। इसके साथ ही राजधानी में 4-4 डॉक्टरों की 3 टीमें गठित की गई हैं, जिनमें एम्स, दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के डॉक्टर रहेंगे। ये टीमें राजधानी में कोरोना के लिए निर्धारित अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेंगी। इसके अलावा कोरोना मरीजों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। गौरतलब है कि राजधानी में जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए कोरोना से निपटने की तैयारियों को और पुख्ता किए जाने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।